Hello students, our next topic is role of national, international and voluntary organizations. Role of national, international and voluntary organizations. The national population policy 2000 encourages role of non-government organization and voluntary organization to increase public awareness about and advocacy for RCH intervention and also to enhance community participation. जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है उसने जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है उनको इनक्रीज किया, इसलिए जो पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए अबाउट एंड एडवोकेसी फॉर आरसीएच इंटरवेंशन, ठीक है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए. द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर हैज़ इन्वॉल्व वेल एस्टैब्लिश्ड एनजीओस सच एज फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया टू सेलेक्ट, ट्रेन, असिस्ट एंड मोनिटर स्मॉलर फील्ड लेवल एनजीओस टू कैरी आउट द फॉलोइंग फंक्शन. तो पहला फंक्शन है एनहांस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंटरवेंशन. सेकेंड है टू प्रमोट स्मॉल हेल्दी फैमिली. थर्ड है टू इम्प्रूव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. फोर्थ है टू काउंसिल एंड मोटिवेट एडोलेसेंट यंग कपल्स टू डिले द एज एट मैरिज एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड कपल विद टू चिल्ड्रन टू लिमिट देयर फैमिली साइज बाय यूजिंग सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. एंड फिफ्थ है टू एक्ट एज ए लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर. उसके बाद में इन द 10th प्लान एनजीओ हैज़ बीन गिवन मेजर रोल इन प्रमोटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. ठीक है, जो 10th प्लान था उसके अंदर जो एनजीओ है उसने एनजीओज हैं उन सबने मेजर रोल प्ले किया है टू प्रमोटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. किस किस में? जेंडर सेंसिटिविटी एंड एडवोकेसी टू प्रोवाइड एडुकेट केयर फॉर गर्ल चाइल्ड टू प्रमोट बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ विद इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी सॉलिड एट द राइट टाइम. थर्ड है टू एंश्योर सोशल मार्केटिंग एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड ORS और रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. टू सेंसिटिव द कम्युनिटी अबाउट एडवर्स कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस. उसके बाद में नेक्स्ट है रोल ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. पहले तो हमने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, अब हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या वो उसका फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में रोल होता है. तो फर्स्ट देखते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड आउटरीचेस ऑफ फैमिली वेलफेयर सर्विसेज. ठीक है, सेकेंड है टू मेक फंड्स अवेलेबल टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर प्लानिंग टू रिड्यूस बर्थ रेट. टू स्ट्रेंथ फैमिली वेलफेयर सर्विसेज इन रूरल एरिया एंड अर्बन स्लम. टू एनहांस ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ विद एम्फेसिस ऑन मोटिवेशनल एंड काउंसलिंग एस्पेक्ट्स. फिफ्थ, टू कैरी आउट इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एफर्ट फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू. सिक्स्थ, टू इन्वॉल्व वॉलंटरी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन ए बिग वे टू प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम. 6th, 7th इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट विद सेंटर एंड आल्सो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है, तो ये रोल हो गए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में. ठीक है, तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या रोल है कि जो फैमिली वेलफेयर सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करना, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना. ठीक है, और उन सर्विसेज के लिए फंड्स का मेक फंड्स मतलब उनके लिए फंड बनाना. ठीक है, और जो रूरल एरिया और अर्बन स्लम है उनके लिए स्ट्रेंथन फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, तो फैमिली वेलफेयर सर्विसेज है उनको स्ट्रेंथ करना.
ठीक है, और जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी ट्रेनिंग को एनहांस करना, ठीक है, उनके मोटिवेशनल और काउंसलिंग उनको देना, और टू कैरी आउट इंफॉर्मेशन देना, एजुकेशन देना, कम्युनिकेशन इफर्ट, फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू, ठीक है, और वॉलेंट्री और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व होकर बिग वे में जो पार्टिसिपेशन है प्रोग्राम में उसको प्रमोट करना, ठीक है, और जो सर्विसेज है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, जो एक्टिविटीज़ है हेल्थ विद सेंटर्स एंड आल्सो डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ में कोऑर्डिनेशन करना। नेक्स्ट है रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन द कंट्री। तो अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं जो कि रोल प्ले करते हैं फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में? तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA, द UNFPA असिस्ट सिक्स्थ कंट्री प्रोग्राम वाज इंप्लीमेंटेड एट नेशनल एंड स्टेट लेवल एट ए कॉस्ट ऑफ 365 करोड़ फॉर द 5 ईयर पीरियड फ्रॉम 2003 to 2007। इट लुक इशू रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज एंड एडवोकेसी। सेकेंड है द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID। इट हैज स्टार्टेड ए मेजर प्रोजेक्ट फॉर रीओरियंटिंग एंड रिवाइटलाइजिंग एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इन उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर टू इंक्रीज एक्सेस टू एंड क्वालिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज while promoting family planning more generally over the time, and project was revised to include reproductive health, child survival and HIV/AIDS। तो ये हमने कुछ organizations के बारे में पढ़ लिया जो कि family welfare program में involve करती हैं, उनका role play करती हैं, क्या क्या role play करती हैं, ठीक है, okay, thank you।